रोटेशन ट्रैक जिसे फ्री फायर का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इसे यूज करने का सही तरीका सिर्फ चार लोग ही जानते हैं। मगर क्यों? क्योंकि रोटेशन ट्रैक तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कैसे एम रख के ट्रैक करना है वो कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। जैसे राइ स्टार हो गया, व्हाइट 444 हो गया, व्हाइट FF हो गया और अमेजोन हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फायर बटन के साइज से लेकर ट्रैक करने तक की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप भी आसानी से वन टैप ड्रैग हेडशॉट मार सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले बात करते हैं फायर बटन के साइज की। तो आपको उसे 44 से लेकर 46 तक रखना है, जिससे ये फायदा होगा कि आप कम ड्रैग करोगे तो भी ज्यादा ड्रैग होगा। अब आपको इस सेंसिटिविटी को अपने गेम में सेम टू सेम चिपका देना है। हाँ, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एम कैसे रखना है। तो आपको एम को हमेशा वाइट ही रखना है और एनिमी जिस भी डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में आपको एनिमी से आगे एम रखना है। तो अब बात करते हैं आपको कौन सी सिचुएशन में कैसे ड्रैग करना है। अगर आपका एनिमी आपके सामने एकदम सीधा खड़ा हो गया हो तो उस सिचुएशन में आपको क्विक अप एंड डाउन ड्रैग का यूज करना है। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एम को एकदम से नीचे ले जाकर ऊपर की साइड ड्रैग कर देना है और आपका एम वाइट ही रहना चाहिए। और जैसे ही आप ड्रैग करोगे आपका वन टैप हेडशॉट ही लगेगा। तो अब बात करते हैं लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग टेक्निक की। तो इसमें आपको सबसे पहले रन करना है, फिर आपके पास जो भी गन है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है, फिर आपको जंप करना है और एम को वाइट रखना है। और जंप लगाने के बाद आपका कैरेक्टर जैसे ही नीचे गिरने लगे उस वक्त आपको फायर कर देना है। और जैसे ही आप अपने फायर बटन को लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करते हो तो वो आपको एकदम फास्ट और स्मूथ करना है। और हाँ, मुझे पता है कि आपको रन, जंप, फायर, गन, स्विच, रन ये सारी चीजें आपको सही तरीके से करनी नहीं आती और इसके बगैर रोटेशन ड्रैग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब बात करते हैं राइट साइड रोटेशन ड्रैग टेक्निक की। तो इसमें आपको एनिमी के आगे एम रखना है, फिर आपको रन करना है, फिर आपको गन को सिलेक्ट कर देना है और एम को वाइट रखना है। और जंप करने के बाद आपका कैरेक्टर जैसे ही नीचे आने लगे तो उस वक्त आपको एकदम फास्ट और स्मूथ तरीके से अपने एम को राइट साइड में रोटेट करके ड्रैग कर देना है, फिर आपका रोटेशन ड्रैग हेडशॉट लग जाएगा। और अगर आपको डिजर्ट ईगल से वन टैप हेडशॉट मारना सीखना है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, तो उधर से जाके आपको अगर देखना है तो देख सकते हो। ओके, तो यही था आज के इस वाले वीडियो में। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।